आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। यार भैया, मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ हो आप? मुझे स्टेशन जाना है, लेट हो रहा है, मेरी ट्रेन छूटी ना तो आप भरोगे पैसे। सॉरी मैम, मॉम के साथ कॉल पे था इसलिए लेट हो गया। आप लोगों के इमोशनल बहाने। अच्छा कहाँ हो आप? आपने लॉन्ग कुर्ता पहना है? हाँ पहना है। मैम आपके पास ब्लू बैग है? भैया ये क्या सीरियल किलर्स जैसी बातें कर रहे हो? टर्न अराउंड, आई एम जस्ट राइट बिहाइंड यू। भैया आप आओ यहाँ, मैं नहीं आऊंगी वहाँ। कैसी हो? Oh my God, अर्जुन, it's really you? राही, राही। शौर्य? राही, यार कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? शौर्य क्या जरूरत थी यार ट्रेन से जाने की, फ्लाइट ले लेते, we would have reached earlier. Babes, you know na, I have a fear of flying. This was the first thing that I told you when we started dating. Achha, trains accident nahi karte? Listen, sarkar na hame sirf train ke sleeper berth ka paisa deti hai. Agar airport hota, to tumhare dad hame drop kar dete, taxi ke bhi paise bachte. Seriously, tum cab ke 300 bachane ke liye, flight ke 7000 ke tickets lene ke liye ready ho. Rahi, I don't understand. What's wrong with you suddenly? Nothing. Let's go. भैया ये बैग्स रख देना प्लीज। Yes sir. Listen, Rahi, I'm sorry. You know now. How important this trip is for me. अच्छा, अपने कॉलेज रियूनियन को, फ्रेंड्स रियूनियन को, उनको तो मेरे बर्थडे से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। Listen, we have been going out for just a year, but these people, I've known them for life. और पता है, it is the more logical thing to do. But कभी तो emotionally सोच लिया करो यार। We had plans for Sikkim, और अब हम जयपुर जा रहे हैं। I've been there at least 10 times. किसके साथ? अपनी फैमिली के साथ यार, और किसके साथ जाऊंगी? सीरियसली राही, we are going to be doctors in the next 2 years, and we always have to keep logic over emotions. और तुम्हारा बर्थडे तो हर साल आ जाएगा यार, but reunions वो हर साल नहीं हो सकते, सबके बिजी शेड्यूल्स हैं। राही, are you even listening? Rahi, भैया आप ये टैक्सी कब से चला रहे? मैम एक साल हो गया।
आप तो काफी पढ़े लिखे मालूम होते हैं। है उन कॉलेज ड्रॉप आउट पढ़ा लिखा। कॉलेज ड्रॉप आउट क्यों किया? 3 साल पहले आफ्टर 12th आई वेंट टू अमेरिका बैचलर्स के लिए। सेकंड ईयर में था व्हेन डैड पास्ड अवे। राजू अंकल वापस आया तो पता चला हमारा सब कुछ लोन पे था। हमारा घर गाड़ियां वी लॉस्ट एवरीथिंग। बस ये रह गई। इकलौता लड़का हूं ना, मम्मी का ख्याल भी रखना था। लोन फ्री गाड़ी थी, चलानी भी आती थी, तो सोचा इसी से पैसे कमा लिए जाए। इंटरेस्टिंग स्टोरी भैया। जस्ट अ क्लीशे रिचेस टू राग स्टोरी सर। अरे यार भैया क्यों मेरी इमोशनल बंदी को अब अपनी बातों से रुला रहे हो? I'm fine. और आपकी मॉम हाउ इज शी? शी इज फाइन, शी इज स्ट्रॉन्ग। डैड को बहुत मिस करती है। उनके लिए तो एवरीथिंग चेंज्ड ओवरनाइट। डैड यूज्ड टू लव हर लाइक एनीथिंग। ऊपर से मूविंग फ्रॉम अ 6-bedroom हाउस टू 1-bedroom हाउस, एवरीथिंग चेंज्ड। हर सोशल सर्कल, हर लाइफ, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, सब उनको छोड़ के चले गए। और आपकी लाइफ? झूठ नहीं बोलूंगा मैम, स्टार्टिंग में इट वाज रियली डिफिकल्ट, लेकिन मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इवन कॉलोनी वाले भी अब छोड़ के चले गए। तो आप अपने पुराने सर्कल में से किसी से भी टच में नहीं हो? मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स ही बंद कर दिए थे। ना अपनी लाइफ में कुछ दिखाने लायक था और ना ही किसी और की लाइफ में कुछ देखने का मूड। आई एम श्योर कुछ लोगों ने आपको बहुत ढूंढा होगा। राही, Why do you have to talk to strangers? फिर उनकी इमोशनल कहानियां सुन के रोती हो। भैया कितनी देर और? 15 more minutes, sir. Don't worry, ma'am. I'm in a better place now. Things may not be easy, but they're getting slowly better. I just feel ki आप डिजर्व नहीं करते थे जो भी आपके साथ हुआ। Maybe I did. I just feel like it's all karma. क्यों भैया? ऐसे क्या कर दिया था आपने? So, मेरी गर्लफ्रेंड थी स्कूल टाइम में। We did it for 6 years. Class 7 to 12th. वही बचपन का प्यार and all. हम दोनों ने साथ में प्लान किया था कि हम 12th के बाद DU में एडमिशन लेंगे और साथ दिल्ली में ही रहेंगे। But then I saw my friends going to foreign universities and enjoying their lives. मैंने भी उन्हें देखकर फॉरेन कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया। उसे बिना बताए मुझे पता था मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं, उसके नहीं। मैं उसे बिना बताए चला गया। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? मैंने उसे अमेरिका पहुंच के कॉल किया।
उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं दिया। क्या उस लड़की ने आपको कभी कांटेक्ट नहीं किया या कोशिश नहीं की? बट अमेरिका में मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया था that I just broke up. That too, through a Facebook message. Face to face बात करने की हिम्मत नहीं थी ना, honestly. तो आपने इंडिया वापस आने के बाद भी आपने कभी उसको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, दोबारा उसकी लाइफ खराब नहीं करना चाहता था। But I wish I could tell her that she did not deserve to be treated that. आप भी डिजर्व नहीं करते थे जो भी आपके साथ हुआ। क्या वो आपको माफ करेगी कभी? I don't think she should. You're right, ma'am. You're absolutely right. नहीं करना चाहिए माफ। I just hope कि वो जहाँ भी है वो खुश है। She deserves better than that. And I hope whoever she is with is keeping her happy. Maybe you're wrong here. You know, the thing about first love is that it changes you forever. And no matter how hard you try, that feeling, it just never goes away. वो same feeling फिर कभी किसी और के साथ नहीं आ सकती। भैया यहीं रोक देना, ट्रेन के स्टेशन के पार्किंग में बहुत भीड़ होती है। ओके पहुंच। तुम बैठो, मैं कूली बुला के लाता हूँ। So, this is it? It is. मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे मिलेंगे after all these years. Anyways, तुम DU नहीं गई? सफदरजंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली। MBBS? तुम इतनी टेंशन कब से हो गई? तुम्हारे साथ थी तो I was blinded by love. And when the blindfolds came off, I did not know where the horizon was. That is how far I could see. Chalo. At least one of us went to DU. What do you mean? Mera correspondence DU se hi to hai. Aur main bhi Delhi mein hi rehta hoon. So technically, I fulfilled our promise. You see? Rahi, saman khud hi le jana padega. Andar kooli nahi mila. तुम चलो, मैं सामान लेके आता हूं। भैया एक बात पूछूं, उस लड़की का नाम क्या था? Have a happy journey, sir.
राही। राही नाम है ना उस लड़की का। मुझे पता था समवेयर ड्यूरिंग द जर्नी जब वो तुम्हें अपनी कहानी सुना रहा था, पर दिल नहीं मान रहा था। फिर जैसे जैसे वो अपनी कहानी सुनाता गया, कन्फर्म होता गया। सो ट्रेन या कार? शौर्य राही, ट्रेन या कार? आई नो इट्स ऑलवेज बीन इमोशन ओवर लॉजिक फॉर यू। भैया अभी आपके कैब में आया था मैं। यस सर। भैया आपके कैब में चेक करना मेरा वॉलेट रह गया क्या? वेट सर, लेट मी चेक इट फॉर यू सर। हियर इट्स हियर सर। यस भैया प्लीज उसको ले आओ, मैं आपको पे कर दूंगा। अरे नो इशू सर, आई विल गेट इट फॉर यू, नो इशूज। थैंक यू सो मच भैया। हेलो जी सर, मैं वहीं पहुंच गया जहां आप लोगों को छोड़ा था। लेफ्ट में। यस सर। भैया इधर इधर। सर आप मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आपके सामने बिल्कुल। ओ या आई सी यू सर। उसे पता था सारे रास्ते। स्मार्ट गाय है मस्त से। थैंक यू भैया।
से रही, मेरे इतना कुछ करने के बाद भी तुम वापस क्यों आई? क्यों, खुश नहीं हो? अरे नो नो, इट्स नॉट लाइक फर्स्ट लव वाली फीलिंग, बस उसी के लिए वापस आई। याद है जब हम स्कूल में थे एंड वी वर डेटिंग, वो 6 सालों के लिए प्यार के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं था, इंटेंसिटी इतनी कि कुछ और सोचता ही नहीं था। इट वॉज लाइक अ बबल एंड देन लाइफ एंड प्रैक्टिकलिटीज टुक ओवर व्हेन यू लेफ्ट। उसके बाद वो सेम फीलिंग किसी और के साथ नहीं आई कभी भी। तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं वापस स्कूल में आ गई, यू नो, विद दोस सेम फॉर्म कोजी टिंगलिंग फीलिंग्स। फेल्ट लाइक आई हैव ट्रैवल्ड बैक इन टाइम। मैं वापस आई, बिकॉज टाइम मशीन्स डोंट एग्जिस्ट, और तुम इकलौती होप हो मेरी टू गो बैक इन टाइम, यू नो, टू द सिंपलर टाइम्स। टू द सिंपलर टाइम्स। हम तुम कितने पास, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास, कितने दूर है चांद सितारे, हम तुम कितने पास, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास, कितने दूर है चांद सितारे।